आप राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफा देने के पीछे कारण क्या रहा? करीब जो करीब 3 वर्षों से हम जनता का सेवा करने का मन हुआ, विचार हुआ और हमारा परिवार वर्षों से 50 वर्ष जनता का सेवा ही करते आ रहे हैं। हमने आज तक है कभी जनता के बीच में कभी ये नहीं कहा कि हमें किसी चुनाव में लड़ना है। हम अपना जनता के सुख दुख में जा रहे थे, लेकिन हमारा काम है सुख दुख में जनता के बीच में जा रहे थे। वो प्रदेश स्तर पर चर्चा का विषय था, तो हम राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव भी थे, तो हमारी पार्टी के सभी सीनियर हैं। अभी इधर मार्च में ही 6-7 तारीख को मार्च में बुला के हमें आश्वस्त किया गया, बुलाया गया कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हम लोग का अगर मन है कि आपको सांसद के उम्मीदवार में खड़ा कर, इसलिए जाइए क्षेत्र में जाके है कि अच्छा से और मजबूती से अपना की मेहनत की। और उसके बाद पुनः फिर 19 तारीख को बुलाया गया कि आपको है कि हम लोग सिम्बुल देने का लिए बुला रहे हैं। और उसी के कारण है कि मतलब हम 19 तारीख को अपना NR भी कटाई, वोटर लिस्ट का सेटिस्फाई कॉपी भी निकल आई और सभी लोग संसदीय दल का बैठक था उस दिन, सभी लोग है कि ऐसी तय हो गया कि लोग अगले सुबह में आइए आपको सिंबल दिया जाएगा जी। तो हमने कभी मांगने नहीं दिया, खुद बुला के बोला गया कि हम आपको दें, ना जनता से भी हमने नहीं मांगने दिया। तो ये नवादा का जो जनता का भावना और हमारा पूरे परिवार का जो 30 वर्षों के लिए पार्टी के लिए जो सेवा किया गया, अधिक किया गया मेहनत, खून पसीना और पार्टी को इस समय राष्ट्रीय जनता दल से पहले जनता दल था, जो राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ उससे पहले 30 वर्षों से हम लोग चटानी ताकत के साथ है कि पार्टी के साथ खड़ा रहे। लोग आते गए जाते गए, नवादा में भी आते गए जाते गए और बराबर हमारे परिवार के ऊपर है एक प्रयोग किया गया और हर एक प्रयोग का हम लोग है कि जवाब दिए और पुनः इस तरह के बुला के है ये धोखाधड़ी किया गया। ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि आपको बुलाए और किसी दूसरे को टिकट दे दिए, क्या हुआ? अब इसके लिए जिसे सारा जनता जान रहा है, पूरे बिहार जान रहा है कि क्या हुआ नहीं हुआ। आज आप अपने पूरे समर्थकों का है कि बैठक बुलाए हुए हैं, जो हमारे समर्थक है, जनता मालिक है, पूरे संसदीय क्षेत्र के यहाँ पर लोग जो है आए हुए हैं, इन लोग जो आदेश देंगे वो हमारे लिए सर्वमान्य है। धन्यवाद। ये की गई है, क्या बैठक हो रही है? लोकसभा चुनाव को लेकर किया गया है, तमाम पूरे जिला के जनता जो है आक्रोश में है, ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया है। पूर्व में हमारे गार्जियन कुलदीप बाबू बताए हैं कि जो भू माफिया है, बालू माफिया है, जिसको राष्ट्रीय जनता दल से किसी प्रकार का लगाव नहीं है, वो हमको लगता है 2-3 महीना भी वर्क उसमें नहीं किए हैं पार्टी में, वैसे व्यक्ति को लगातार टिकट दिया जा रहा है। जो पिछले चुनाव MLC चुनाव में दूसरे नंबर पे आए, इस चुनाव में भी वही स्थिति है, वैसे लोग को दिया गया। इसके विरोध में लोगों का पूरे जिला के और बरबीघा के लोग आए हुए हैं। क्या इसके खिलाफ क्या निर्णय होगा? इसके खिलाफ हमारे नेता माननीय राजवल्लभ यादव जी है, जो भी जनता का निर्णय होगा सोच समझ के कुछ अपना फैसला। टिकट देने की वजह क्या समझते हैं सर? टिकट तो सब जान रहा है, किसी का होटल बिक गया, किसी का घर बिक गया, कि वो छिपा हुआ है। आप लोग पत्रकार लगता है नवादे में, इसलिए नहीं पता चल रहा है। देखिए गया में कई को होटल बिक गया, जब आप आपका घर बिक गया, जब आप कह रहे हैं कि RJD पैसे पे टिकट दे रही है और आपके भी जिला में 3-3 RJD के विधायक है, तो इस पर क्या कुछ सवाल बन जाता है कि यानी हर कुछ पैसे पे टिकट? जो सलाहकार लोग जो आए हैं ना बाहर से, वो सलाहकार लोग गलत सलाह दे रहे हैं। पहले जो राष्ट्रीय जनता दल था लालू यादव के समय में, वो राष्ट्रीय जनता दल अभी नहीं रहा है।
अभी गलत हाथों में चला गया है, गलत लोग उसके सलाहकार बन गए हैं, इसके कारण गलत निर्णय लिया जा रहा है पार्टी के द्वारा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जब लालू यादव का रीजन था और तेजस्वी के बाद ये अब एक तरह के व्यवसायिक रूप से टिकट बांटने का काम कर रही है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो जिसका होटल बिक रहा है, जो होटल खरीद रहा है, उसी से जाके पूछ लीजिए। गया में बहुत सारा होटल बिका, बहुत सारा खरीदा, और कौन टिकट जिसको मिला है, सब कुछ छिपा हुआ नहीं है, सब पर्दा पे आ गया है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अब बीजेपी का एक माइंड सेट है कि यहाँ आरजेडी को हरा दिया जाए और ऐसा कुछ करने का। बिल्कुल ऐसा नहीं रहा। हमेशा हमारे नेता राजवल्लभ यादव जी का, जो अपराधी किस्म के लोग हैं, जो माफिया किस्म के लोग हैं, उसको रोकने का हमेशा उनका प्रयास रहा है। हमेशा वो चुनाव राजनीति, आज अगर हम लोग भी राजनीति कर रहे हैं, 2 साल से हम लोग भी राजनीति में हैं, कभी किसी का एक कप चाय नहीं पिए हैं। हम लोग समाज सेवा के लिए राजनीति करते हैं, कोई व्यवसाय के लिए राजनीति नहीं करते हैं। अगर विनोद यादव जी लोकसभा क्षेत्र में आते हैं तो क्या विभा देवी, प्रकाश बीर जैसे आपके साथ साझा मंच कर रहे हैं और मोहम्मद कमरान आपके साथ रहेंगे या फिर? बिल्कुल टोटल राष्ट्र, यहाँ का राष्ट्रीय, हम तो पूर्व में बता चुके हैं पत्रकार महोदय, यहाँ नवादा में राष्ट्रीय जनता दल के मतलब राजवल्लभ यादव जी होते हैं, और राजवल्लभ यादव जी जब हैं तो पूरा नवादा साथ रहेगा, हर एक विधायक साथ रहेंगे, हम लोग सब उनका अंग है। धन्यवाद।